मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ उमरी डैम सामने नागपुर, भूल ना जाना शिव तीर्थ आना। यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कुंदनलाल गुप्ता नगर से एक डकैती का मामला उजागर हुआ है, जहां युवक को जान से मारने के इरादे से आए अपराधियों ने मौका पाते ही उसकी पत्नी से पैसे छीन दिए। सौभाग्य से युवक किसी काम से बाहर गया था, जिससे बदले की मनहूस आग से वह बच गया है। दरअसल यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कुंदनलाल गुप्ता नगर में प्रीति निखारी एवं अमित निखारी उम्र 31 वर्ष ये दंपति सालों से रह रहे, लेकिन पुराने विवाद के चलते कल शाम लगभग 7:30 बजे के दौरान अजय सूरज जवान उम्र 25 साल स्वीपर कॉलोनी यादव नगर निवासी, अरविंद संजय बक्सरे उम्र 24 साल, विजय पटोड़े, रजत टेटे, प्रदीप और बंटी कनपटे उम्र 25 साल बिना की मंगलवारी निवासी समेत एक अनजान व्यक्ति, ये 6 लोग अमित को जान से मारने के इरादे से घर में घुसे, पर सौभाग्य से अमित अपने लड़की के जन्मदिन की पत्रिका बांटने बाहर गए थे। ये अपराधी अमित के घर में तलवार, चाकू और डंडा लेकर घुसे और प्रीति से पूछने लगे कि तेरा पति कहाँ है, उसे जान से मारना है। इस बात से प्रीति पूरी तरह डर गई। उसी बीच अपराधियों ने प्रीति के हाथ से 2,500 रुपए छीन लिए और भाग गए। फिरियादी की शिकायत पर अजय सूरज जवान उम्र 25 साल स्वीपर कॉलोनी यादव नगर निवासी, अरविंद संजय बक्सरी उम्र 24 साल को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं अन्य फरार अपराधियों की खोज जारी है, जिसकी जानकारी दी यशोधरा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नानेश्वर भेदोड़कर ने। पुलिस थाने यशोधरा अंतर्गत में कुंदनलाल गुप्ता नगर में 5-6 लड़के आए थे, उसमें घातक शस्त्र लेकर और घातक शस्त्र लेकर आके एक के घर पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे धमकी दी थी कि तुम्हारे मिस्टर कहाँ है और वो मिले तो हम उसको ख़त्म कर डालेंगे। और ऐसा करके उनके पास में जो एक लेडीज़ थी, उसके लेडीज़ के हाथ में से ज़बरदस्ती से 2,500 रुपये खींच कर तलवार वगैरह दिखा के और वहाँ से भाग पड़े थे। ये जानकारी मिलते हुए ही माननीय पुलिस आयुक्त सर, माननीय जनसीपी मैडम और डीसीपी कदम सर, इनके मार्गदर्शन में 2-3 टीम गठित की गई है। वारदात क्या हो गई इसकी पूरी तफ्तीश की गई है, FIR रजिस्टर किया और तुरंत ही 2 आरोपी को हमने उठा लिया है। 3 आरोपी भी अभी पकड़ना बाकी है, अभी 1 आरोपी को भी हम ताबे में लेने के लिए टीम गई है। तुरंत ही 5 आरोपी को अरेस्ट करके जो गंभीर एक वारदात होने वाली थी उसको अंजाम देने में यशोधरा नगर की टीम सफल हो गई। अभी 2 आरोपी हिरासत में लेकर उनको कोर्ट में भेजा गया है, पुलिस रिमांड के लिए भेजा गया है। जो अरेस्ट किया गया 2 आरोपी में अजय चौहान करके एक है और बक्सरे करके एक है, दोनों भी रिकॉर्ड पे के आरोपी है। अजय चौहान के ऊपर इसके पहले भी मर्डर का गुना दाखिल है, 307 का गुना दाखिल है और एक दरोड़े की तैयारी का गुना दाखिल है, ऐसे गंभीर गुने उसके ऊपर रजिस्टर्ड है। जो वांटेड आरोपी है उनके ऊपर भी ऐसे संगीन अपराध दाखिल है, हम उसके सर्दी से तलाश ले रहे हैं और जल्द से जल्द उनको भी अरेस्ट करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।